360 गोत्रीय खटीक समाज भोपाल द्वारा केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक, भाजपा के प्रत्याशी सबनानी का भव्य स्वागत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 360 गोत्रीय खटीक समाज भोपाल द्वारा केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक एवं दक्षिण पश्चिम विधानसभा भाजपा के प्रत्याशी भगवान दास सबनानी का समाज के बंधु एवं दक्षिण पश्चिम विधानसभा की भाजपा की कार्यकर्ता द्वारा साल श्रीफल से स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक आज दक्षिण पश्चिम विधानसभा के प्रत्याशी भगवान दास सबनानी के समर्थन में प्रचार प्रसार करने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे और सभी कार्यकर्ता से अपील किया कि 2023 में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है और भगवान दास सबनानी को दक्षिण पश्चिम विधानसभा से विधायक बनाना है। उन्होंने समाज के बंधु एवं सभी कार्यकर्ता का आभार व्यक्त किया। आज की इस सभा में पूर्व सांसद आलोक संजर, राजेश खटीक, पार्षद गिरजा खटीक, हरिओम खटीक, आनंद भट्ट, राजू अनेजा एवं खटीक समाज के साथ सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमारे खटीक समाज के गौरव माननीय वीरेंद्र खटीक जी, डॉक्टर वीरेंद्र खटीक जी 7 बार के लोकसभा के सदस्य हैं और जो कि वो समाज का गौरव है। खटीक समाज तो सदियों से सनातन के लिए और देश हित में काम करती रही है। ऐसे हमारे खटीक समाज आज की डेट में 95% भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ पे को आगे बढ़ा रही है। आज उसी कड़ी में समाज बंधुओं से मिलने वीरेंद्र खटीक जी आए थे और हमारे समाज ने संकल्प लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजय बनाएंगे और सनातन धर्म की रक्षा के लिए सर काटने की भी बारी आई और कटवाने की भी बारी आई, उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को बहुत गंभीरता के साथ में ले रही है और एक एक सीट पर हमने केवल अभी से नहीं, भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल अपनी तैयारी करती है। बूथ स्तर पर पन्ने से लेकर कार्यकर्ताओं की बूथ की टोली बनाना, फिर हमारे उसको कैसे वहाँ पर संपर्क करके जहाँ हमारा काम नहीं पहुँचा है वहाँ पर काम को पहुँचाना है, जिन लोगों पे हमारा संपर्क नहीं हुआ उनको भी अपने साथ में जोड़ना है। और पिछले बारों से जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारों के द्वारा जो काम किए गए हैं उन कामों का आज समाज में इतना विश्वास का भाव जागृत हुआ है कि लोग स्वयं प्रेरणा से, कल मैंने जाबरा में देखा, कल मैंने धार में देखा, उसके मैंने सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में देखा, मैंने रेहली विधानसभा क्षेत्र में देखा, मैं कई विधानसभा क्षेत्रों में होके आ रहा हूँ, उधर चंबल में भी होके आ रहा हूँ, लोग बड़े आंतरिक इच्छा शक्ति के साथ में कि जो कुछ काम हुआ है, पहले केवल घोषणाएं होती थी लेकिन आज समाज ये देख रहा है कि सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से जो हमारे समाज का सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर जो रहने वाला व्यक्ति था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की उस अवधारणा को आगे बढ़ाने का काम मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमानी शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, हमारे देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। और इसी कारण से इस चुनाव में मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने वाली है। इस दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से हमारे भाई भगवान दास सबनानी जी और उनके साथ जिस तरह से युवाओं का जोश, माताओं का स्नेह, नौजवान साथियों का साथ, बुजुर्गों का आशीर्वाद जुड़ रहा है, स्पष्ट रूप से वो इस बात को बता रहा है कि दक्षिण पश्चिम विधानसभा भी माननीय भगवान दास सबनानी जी बहुत अच्छे बहुमत के साथ में जीतने वाले हैं। सर, ऐसे कौन से काम जो है शेष रह गए जो भारतीय जनता पार्टी अटक है? भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें बनाने के पहले तो कुछ काम था ही नहीं। यहाँ सड़कें गायब हो गई थी, लाइट नहीं थी, आज सड़कों का इतना विशाल जाल बिछाया गया, लाइट की इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है, सिंचाई के इतने अच्छे समुचित संसाधन बनाए गए हैं, बाण सुजारा परियोजना, कैन बेत पर परियोजना, नदियों को आपस में जोड़ने की योजना, एक और ये सारे काम, दूसरी ओर हमारे समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर के व्यक्तियों के सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए जो काम हुए हैं वो काम जो है ना जन जन के आज विश्वास का प्रतीक बन गया। सर, आदिवासियों और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहा है और सबसे ज़्यादा सीटें इस वक्त 84 सीटें आदिवासी क्षेत्र की विधानसभा, तो आप क्या कहेंगे कि वाकई विपक्ष जो बोलता है वो? देखिए, विपक्ष जो है ना
विपक्ष तो हम देख रहे हैं पिछले चार बार से विपक्ष कहीं नज़र नहीं आया कि जब चुनाव आता है तो उनके लिए एक तरह से राजनीतिक टूरिज्म सरीका जो है ना वो नज़र आने लगते हैं। विपक्ष ने अपनी जिम्मेवारी को कभी सजगता से अनुभव किया ही नहीं। अनुसूचित जाति समाज में अनुसूचित जनजाति समाज इन समाजों के लिए डबल इंजन की सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनाई गई हैं उन योजनाओं से उनका जीवन स्तर भी ऊंचा उठा है और उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास का भाव भी ज्यादा प्रबल हुआ है। द खबरदार से आशीष द्विवेदी की रिपोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।